الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسادة الاتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله واهل بيته وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم آج جمعة هي. सिलसिले तस्करीर मोज़्ज़त की सत्रवीं मजलिस और नशिस्त है जुमे के दिन की इस्लाम में बड़ी फज़ीलत है अहादी से शरीफा में इसकी बड़ी बरकतें आई हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये जुमे का दिन तलाश करने का और उसमें बंदगी और इबादत ख़ूसियत से करने का हुक्म हफ़्ते का जो सबसे आज़म और सबसे अहम दिन है इसको मत किए बग़ैर अल्लाह तकम यहूदियों को दिया था तो यहूदीम उसकी तलाश में नाकाम रहे और वो एक दिन आगे निकल गए यानी उन्होंने हफ़्ते को अयाम करार दिया और उसमें ख़ास बंदगी और इबादत करते थे और अल्लाह ताला के साथ ख़ास ताल्लुक क़ायम करते थे फिर उसके बाद उन्होंने उस दिन की भी तोहन की और उसमें अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो अल्लाह ताला के अजाब के शिकार हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें सख्त अजाब दिया फिर ईसाई कौम आई ईसाइयों को भी हुक्म दिया गया कि वो अय्याम को तलाश करें और उसमें अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत का ख़ास अहतमाम करें तो हुजूर सलात ने फरमाया कि वो लोग एक दिन और आगे निकल गए और उन्होंने इतवार के दिन को अहद को अय्याम करार दिया और उसमें अल्लाह ताला की ख़ास इबादत करते हैं करते थे और करते हैं आज भी यहूदियों के यहाँ यौम सब्त यानी सनीचर का दिन हफ़्ते का दिन बड़ी इज्जत और अज़मत का समझा जाता है और ईसाइयों के यहाँ अहद यानी इतवार का दिन बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का एहतराम का और अहमियत का समझा जाता है और वो लोग उस दिन खसूसियत के साथ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी का अपने अपने तरीक़ों पर अपने अपने अकीदों के मुताबिक फरीज़ा बजा लाते हैं जो कि दीन इस्लाम की रोशनी में बातिल है हक़ नहीं है लेकिन सिर्फ़ ये बताना मकसद है हदीस शरीफ में कि एक दिन वो लोग अय्याम से जो अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह की तकदीर में और अल्लाह के इल्म में जो दिन अय्याम है यानी जुमे का दिन इससे वो लोग एक दिन आगे निकल गए यहूद और उन्होंने हफ़्ते को समझा और ईसाई एक दिन और आगे निकल गए और उन्होंने इतवार को समझा लेकिन सैद्ला महमदर रसूल सला वसलम को जो नशानदेही हुई वो यौम्जुमु की हुई जो अल्लाह के इल्म में भी वही दिन सैदल्याम है यानी जिस तरीक़े से बरस के बारह महीनों में रम़ानमबारक सदुल सदहूर है सब महीनों का सरदार है ऐसे महीनों के चार हफ़्तों में हफ़्ते के एक, एक सात दिनों में वो सैदल्याम जुमे का दिन है और इसको अल्लाह ताला ने दिनों का सरदार बनाया और उसको बड़ा मर्तबा और मकामा फ़रमाया और उसमें बड़ी बड़ी बरकतें फ़जीलतें रखीं अहदीत से मालूम होता है कि हज़ूर सलाम के नज़दीक जुमे का दिन ईद उल ईदुलफ़ित और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा बरकत का और उससे भी ज़्यादा ख़ुशी और मसरत का दिन है ये इसकी बड़ी फजीलत है हुजूर अलैहि हज़ूर व सलाम ने जुमे के दिन की कई फजीलतें बयान फरमाई कि इस दिन को क्यों सैयदुल अय्याम बनाया गया अल्लाह ताला ने कायनात के जितने अहम फ़ैसले फरमाए हैं वो जुमे के दिन फरमाए हैं इसलिए ये जुमे का दिन सैयदुल अय्याम करार दिया गया है इसी तरीके से हजूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया जुमे के दिन के अय्याम होने का एक सबब यह भी है कि उस दिन में एक घड़ी ऐसी है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जो मांगे उसकी दुआ उस घड़ी की माफिक हो गई तो वो ज़रूर मकबूल होती है और अल्लाह ताला के यहाँ ज़रूर कबूल होती है तो गोया कबूलियत की ख़ास घड़ी है नामालूम घड़ी है और बंदा उस दिन दुआ करे और वो घड़ी के साथ मिल जाए तो वो ज़रूर मकबूल हो जाती है मतबर हो जाती है अब वो घड़ी कौन सी है इस सिलसिले में ने हदीस ने मुख्तलिफ सहाबा से और मुख्तलिफ तबइन से ए, कई घड़ियों के सिलसिले में रिवायात आई हैं और वो रवायात बहुत ज़्यादा हैं और उन सब रवायात में से सबसे ज़्यादा जिस रवायात को जमहूरमा ने कबूल किया और जिसकी तरफ सहाबा और ताबीन और अक्सर महदसिन वगैरह का रुझान है वो घड़ी है जुमे के दिन गरूब आफ्ताब से पहले यानी जुमे का दिन जब बिल्कुल ख़त्म होने लगे तो उससे पहले की चंद सात ऐसी हैं जो सात वो कबूलियत की घड़ी हैं और उसमें जो दुआ मांगी जाए तो वो दुआ मकबूल और मतबर होती है इसी वजह से तमामा शालकिन और अहलुल्ला जुमे के दिन मगरिब की नमाज की तैयारी जल्दी करके मगरिब से बहुत पहले अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर होकर मुसल्ले पर बैठ कर दुआओं का अहतमाम करते हैं पाँच से दस मिनट नमाज़ से पहले अजान का वक्त होने से पहले पहले क्योंकि अक्सर लोगों के नज़दीक कबूलियत की वो ख़ास घड़ी यही होने का एहतमाल है इम्कान है तो खैर को और भलाई को इम्कान की बुनियाद पर भी हासिल करना चाहिए अक्लमंदी यही है समझदारी यही है इसीलिए अहलुल्लाह जो नहायत अक्लमंद और समझदार और आखिरत के कदरदान होते हैं वो लोग सब इसका अहतमाम करते हैं जुमे के दिन मगरिब की तैयारी ज़रा जल्दी करके पाँच दस मिनट पहले ही मसल्ले पर आकर कबूलियत की इस घड़ी को पाने और अपनी ज़रूरतें और तमन्नाएँ अल्लाह ताला से पूरी कराने का अहतमाम करते हैं और फ़िक्र करते हैं हमें भी ऐसा करना चाहिए और इस घड़ी का मर्द हो या औरत और आम दिनों में मस्जिद पहुँच कर या अब इन ख़ास दिनों में अपने ही अपने घरों में मर्द औरतें सब के सब जल्दी तैयारी करें और जल्दी आकर मगरिब से पहले मुसल्ले पर बैठ जाएं और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें यहाँ तक कि आफ्ताब गरूब हो जाए और मगरिब का वक्त हो जाए तो फिर मगरिब की नमाज़ अदा कर लें इस घड़ी को छोड़ना नहीं चाहिए इससे फ़ायदा उठाना बल्कि इस वक्त तो हमारी हाजत और परेशानी पूरी उम्मत की बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा कबूलियत की घड़ियों को पाने का अहतमाम करना चाहिए